भोपाल में विधायक सांसदों के अपार्टमेंट में 12 लाख रुपए की लूट की वारदात हो गई। लुटेरों ने शराब कंपनी के मैनेजर को कट्टा अड़ाया और रुपयों से भरा बैग ले भागे। पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। भोपाल में विधायक और सांसदों की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग रचना टॉवर में बुधवार सुबह 12 लाख की लूट हो गई। यहां एक फ्लैट में बने शराब कंपनी के ऑफिस में घुसकर दो बदमाशों ने मैनेजर को कट्टा अड़ाया और फिर रुपयों से भरा बैग ले भागे। सीसीटीवी में शराब कंपनी के मैनेजर को कट्टा अड़ाकर फर्स्ट फ्लोर पर ले जाते बदमाश दिख रहे हैं। बताते हैं कि दो हथियारबंद लुटेरों ने पिस्तौल दिखाकर लूट की घटना को अंजाम दिया है। डीसीपी श्रद्धा तिवारी ने रचना नगर में हुई लूट के बारे में बताया कि पूरे मामले में बंधक बनाकर लूट को अंजाम दिया गया है। सुबह लगभग 8-9 बजे की बात है, इसमें दो लोगों ने दरवाजा बेल बजा के दरवाजा खुलवाया है किसी व्यक्ति को पूछते हुए, और इसके बाद वो लोग अंदर आए हैं। फिर उसके बाद जो व्यक्ति ने दरवाजा खोला था उसके हाथ पकड़ते हुए पीछे से बांधते हुए ऊपर ले गए हैं और पूछा है कि कैश कहाँ पे रखा है, और इसके बाद उन्होंने उस रूम में जाके उस कैश को लूट के ले गए हैं। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF ranked for 5 consecutive years. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।